इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं भारत क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बामसेफ के कुल हिंद सदर वामन मेशराम साहब और उनके अहलिया हमारे साथ मौजूद हैं। वो बेलगाम में आए हैं परिवर्तन यात्रा को लेकर, EVM भंडाफोड़, ये उनका मौजू है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, सर सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। जिस तरह से आपने एक तहरीक लेकर चले हैं, पूरे आलमी सतह पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको पहचाना जाता है, बड़ी बेबाकी के साथ आप सवालात भी उठाते हैं, लेकिन क्या उस हद तक कामयाब हो पाए हैं या और भी बहुत सारा काम बाकी है? किस तरह से देखना चाहते हैं पूरे मुल्क के सियासी सामाजिक हालात को? आज हमारा जो संगठन है वो 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3,500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गांव तक फैला हुआ है। और इतना बड़ा संगठन और इतने बड़े पैमाने पर लोगों का साथ सहयोग मिलता है तो इससे तो यही कहा जा सकता है कि जहाँ तक हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ तक हमारी आवाज़ की पहुँच है। दूसरा, ये जो EVM भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा जब हमने निकाली तो 6 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा था, लोगों ने एक नया पैसा खर्चा नहीं होने दिया और सारा खर्चा उठाया, ऊपर से हम लोगों को 65 लाख रुपए दिया। तो ये उदाहरण इस बात को सिद्ध करते हैं कि लोग अपनी एक इंडिपेंडेंट तहरीक बनाना चाहते हैं, बशर्ते ईमानदारी से रहनुमाई करने वाले लोग उनको मिले। हमारे लोगों की बड़ी समस्या ये है कि ईमानदारी से रहनुमाई करने वाले लोगों का बहुत बड़ा तोटा है, कमी है, क्योंकि हमारे लोग छोटी सी बात से मैनेज हो जाते हैं और ये बार बार तजर्बा होता है कौम को और इस वजह से वो लोग फेडअप हैं। तो लोगों को रहनुमाई करने वाले सही और ईमानदारी से लोगों की ज़रूरत है। तो सही और ईमानदारी से रहनुमाई करने वाले लोग अगर मिल जाए तो लोग साथ देते हैं, हमको साथ देने का तजर्बा है, इस वजह से कह रहा हूँ। सर, यहाँ पर बेलगाम और अतराफ में हमने देखा है कि दलित, क्योंकि एक बड़ा तबका जो है ये ब्राह्मणवाद के चपेट में आ चुका है और उन्हीं के साथ हैं, तो उनको किस तरह से बाहर निकाला जाए? जैसा आप तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो नतीजे हमको नज़र नहीं आ रहे, यहाँ पर बता रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर जो आप समस्या बोल रहे हो वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, केवल बेलगांव की या कर्नाटक की समस्या नहीं है, ये समस्या राष्ट्रीय स्तर की है और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश होने की ज़रूरत है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, इसमें दो प्रकार के लोग हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे मास है। तो जो मासेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागृति नहीं है और वो जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, MLA होते हैं, जो BJP से नॉमिनेटेड है तो दिखाई देता है। दूसरा, वो पुलिस चौकी पर मदद करते हैं, बैंक में मदद करते हैं, तो उनको लगता रहे यही हमारे लीडर है, नेता है, वो किसी आइडियोलॉजी के आधार पर उसके साथ नहीं है, ये हमारा तजर्बा है। सर, अभी काम होने की ज़रूरत है, मासेस में काम होने की ज़रूरत है। सर, पूरे देश में एक तरह का हाहाकार देखा जा रहा है, हर तरफ एहतजाज, प्रोटेस्ट, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हम किसी हाल में ये CAA NRC लागू करके ही रहेंगे, तो इसको कैसे रोका जाए, क्या तरीके हो सकता है? ये बयान अमित शाह का दिल्ली के चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। उनकी कोशिश ये है
कि उनके पास दिल्ली के वोटर्स को बताने के लिए कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हो रहा है, बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया, जो लोग पैसा चुरा कर लेके गए विदेश में वो एक भी आदमी वापस नहीं ला सके, तो लोगों के किसी सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास कुछ है नहीं है। तो 56 इंच का चना दिखाकर नहीं वापस लेंगे, ये एक उनके पास मुद्दा है। दिल्ली के चुनाव में हारने दीजिए, उसके बाद यह बयान देने के लिए बोली। सर, बेलगाम एक कर्नाटक महाराष्ट्र का सरहदी इलाका है, यहाँ पर पिछले 60-70 साल से कर्नाटक महाराष्ट्र लैंग्वेज का एक मसला रहा। पहले जो है बेलगाम के अंदर 7 महाराष्ट्र एकीकरण समिति की सीट आती थी यहाँ पर MLA MP के, अब जो है पूरी की पूरी BJP में आ रहे, मतलब विचारधारा बदलती जा रही है या मराठी समाज भी यहाँ पर क्या उनकी चंगुल में फंसता जा रहा है ऐसा लगता है। BJP की सफलता लोकप्रियता का आधार नहीं है, EVM का घोटाला है, और इस वजह से मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई BJP के लोकप्रियता की वजह से ऐसा हुआ, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा सर, मैं EVM के घोटाले की या EVM में कितना प्रकार का घोटाला होता है इसकी जितनी जानकारी धार नेशनल लेवल पर मेरे पास में किसी के पास नहीं है। मैं केस लड़ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस जीत चुका हूँ, तो इसलिए उसकी बारीकियाँ मेरे पास जानकारी ज़्यादा है। बेलगाम और अतराफ के अंदर जो हमारे दलित और मुसलमान भाई, उनके लिए एक दो लफ्ज़ों में, दो चार लाइनों में एक पैगाम देना चाहिए। देश में जो हालात पैदा हुए, अगर एग्जांपल बताया जाए, आसाम का NRC का उदाहरण बताया जाए, तो 19.5 लाख लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, जिसमें 5 लाख मुसलमान हैं, 14.5 लाख SC ST OBC के लोग हैं। तो मुसलमानों से 3 गुना ज़्यादा SC ST OBC के लोग हैं, तो केवल दलित और मुसलमान को ही इत्तेहाद कायम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि SC ST OBC मुसलमान और दिगर दूसरी माइनॉरिटी के लोग जो है, जो क्रिश्चियन है, जो सिख है, जो लिंगायत है, वो सब लोगों को इत्तेहाद कायम करके देश में लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जो धर्म आधारित सिटीजनशिप का आधार इन्होंने खड़ा किया, वो देश को बांटने का षड्यंत्र है, और इसलिए इस षड्यंत्र के विरोध में बड़ी तहरीक बनाने की ज़रूरत है, और तहरीक तभी बनेगी जब इत्तेहाद कायम करके ये लोग लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग नहीं लड़ते हैं। तो उनको इत्तेहाद कायम करके लड़ना चाहिए, एकता कायम करके लड़ना चाहिए। हमारे लोगों का देश भर में कोई मीडिया नहीं है, मगर मैं ऐसा मानता हूँ हमारे लोगों को ज़्यादा कोशिश सोशल मीडिया खड़ा करने पर देनी चाहिए, क्योंकि प्रिंट मीडिया चलाना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चैनल चलाना, ये बहुत बड़े पैसे का खेल है, मगर सोशल मीडिया चलाना ये आम आदमी के द्वारा इसको चलाया जा सकता है। इसलिए आने वाले समय में हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो सोशल मीडिया को देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब वामन मेश्राम साहब, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। उम्मीद करते हैं कि जिस कदर उन्होंने बहुजन समाज को एक पैगाम दिया है, इसको मद्देनज़र रखते हुए एक इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म पर हम एक होकर सामने आ जाए, हो सकता है कि एक नया इनकलाब बरपा हो जाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।